अब अगर आप ये मिक्स जिगल वाली सीक्रेट ट्रिक सीख गए ना, तो आपका जो एम रहेगा ना बंदे के हेड पे रहेगा, और जो जिगल है बंदा पकड़ ही नहीं पाएगा। अब कुछ बैटल ग्राउंड्स गेम कुछ ऐसे होते हैं जैसे अपना बीजीएमआई और पबजी, ठीक है, अगर इन गेम्स में जॉयस्टिक ना होती ना तो ये गेम वर्क ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पूरा गेम ही जॉयस्टिक पे डिपेंड करता है। और अगर आप लोगों ने जॉयस्टिक को मास्टर कर लिया, वैसे तो मैंने जॉयस्टिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, बट ये वाली वीडियो भाई आपको कौन सा जिगल कहां पे देना चाहिए, और साथ में आपको मैं एक ऐसी कैडी मूवमेंट सिखाने वाला हूं ना, सामने वाला बंदा उस मूवमेंट को ट्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर ओवरऑल ऊपर ऊपर की कम्युनिटी देखी जाए ना, तो तीन प्रकार के जिगल दिए जाते हैं, तो फास्ट जिगल दिया जाता है, मिड जिगल दिया जाता है, और एक लॉन्ग जिगल दिया जाता है, ठीक है। अब मेरे जैसे नॉर्मल बंदे करते क्या है, उन जिगल्स का यूज ना मिक्स करके करते हैं, उनको सिचुएशन नहीं पता। अभी मैं इस चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा कि भाई आपको यहां पे ये करना, आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। और आपको मैं साथ में एक ऐसी मूवमेंट दूंगा, मतलब समझ सकते हो, हिडन ट्रिक भी समझ सकते हो, ठीक है, पूरी कम्युनिटी में किसी ने नहीं दी होगी, और थोड़ा सा ब्रेकडाउन करने का कोशिश करूंगा उस ट्रिक को, ठीक है। अगर वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करूंगा, और मैं अभी आपको लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं डिजर्व ही नहीं करता, ठीक है, अगर मैं आपको इंप्रेस करता हूं तब मैं डिजर्व करता हूं। अभी पहले पॉइंट पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट जिगल के बारे में। ये जिगल देखा जाए ना, ओवरऑल कम्युनिटी में बहुत सारे नूब बंदे हैं ना, वो यूज करते हैं। नूब बंदे क्यों बोल रहा हूं उनको, क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, गलत जगह पे यूज करते हैं। फास्ट जिगल अगर आप सही जगह पे यूज करोगे ना, तो भाई मतलब ओपी रहता है, जो आपका एम है ना वो भी कैडा रहता है। आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। जब हम एक एक सेकंड में अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट एंड राइट साइड कर रहे होते हैं, इसी को फास्ट जिगल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये फास्ट जिगल है ना, ये आपको बिल्कुल ही क्लोज रेंज में देना चाहिए। अगर आप इसको लॉन्ग रेंज में दोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो चली जाएगी, ठीक है। अब अगर सिंपल तरीके से बताऊं कि कोई भी एनिमी अगर आपके बिल्कुल पास में खड़ा होता है ना, तो उसका करेक्टर आपको बिल्कुल बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अगर वो वहां पे लॉन्ग जिगल देगा, तो उसको ट्रेस करना बिल्कुल आसान, आप सामने देख सकते हो ये बंदा है बिल्कुल पास में खड़ा, तो मेरे को इसका करेक्टर बिल्कुल मेरे करेक्टर के बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्लोज रेंज, ठीक है। अगर क्लोज रेंज में वो लॉन्ग जिगल देता है, तो वहां पे उसको ट्रेस करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फास्ट जिगल देना है। और अगर सामने वाला बंदा भी आपके साथ फास्ट जिगल दे रहा है, आप भी फास्ट जिगल दे रहे हो, तो बंदे को ट्रेस कैसे करे, तो वहां पे आपकी सेंसी वर्क करती है। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा मैं आपको कौन सी सेंसी रखनी चाहिए। और आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग लॉन्ग रेंज में ना फास्ट जिगल देते हो। अगर आप लॉन्ग रेंज में फास्ट जिगल दोगे, तो आपके साथ ऐसा होगा जैसे इस वाले एनिमी के साथ होता है। ये एनिमी क्या करता है, लॉन्ग रेंज में है ना फास्ट जिगल दे रहा था, देखो यहां पे। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी ये रहती है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी फास्ट जिगल देते हो ना, तो सामने वाले बंदे को अपना क्रोचिंग ज्यादा हिलाना नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसको आपका करेक्टर बिल्कुल ही छोटा दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, तो उसको ट्रेस करना बिल्कुल ही आसान होता है। तो आपको हमेशा ही लॉन्ग डिस्टेंस में लॉन्ग जिगल देना है, ताकि सामने वाला बंदा आपको ट्रेस ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि जिगल का खेल ही ये होता है कि सामने वाला बंदा आपको ट्रेस ना कर पाए, और आप सामने वाले बंदे कनपट्टी पे भाई हेड हेड जड़ के वहां पे निकल लो, ठीक है। अभी सेकंड जिगल पे हम चलते हैं, जो कि नॉर्मल जिगल, ठीक है, जो नॉर्मल जिगल है ना हम कहीं पे भी दे सकते हैं, बट क्या रहता है वहां पे लक वर्क करता है कि सामने वाला बंदा कैसा खेल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल जिगल है उसमें क्या होता है, ना तो ज्यादा फास्ट जॉयस्टिक को मूव करते हो लेफ्ट एंड राइट साइड, और ना ही बिल्कुल आराम से करते हो, ठीक है, मतलब नॉर्मल करते हो, और सामने वाले बंदे को आपका नॉर्मल जिगल बहुत ही कैडा और बहुत ही लॉन्ग लगता है, ठीक है। वो कैसे लगता है, एग्जांपल देखो। अब नॉर्मल जिगल आपको देखने में कुछ ऐसा लगेगा जैसे मैं यहाँ पे फास्ट जिगल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस जिगल की खासियत ही है कि इस जिगल को आप कहीं पे भी दे सकते हो। अगर मैं यही जिगल थोड़ा सा पीछे से ट्राई करता ना, भी यहाँ पे बेस्ट ही रहता, ठीक है, क्योंकि ये जिगल नॉर्मल जिगल है। नॉर्मल जिगल का यूज जोनाथन जितने भी कॉम्बी प्लेयर होते हैं ना, 1v1 की जब भी सिचुएशन आती है ओपन में, वो इस वाले जिगल का यूज करते हैं। और ये जिगल मेरा फेवरेट जिगल है, क्योंकि ये जिगल भाई हम कहीं पे भी धोखा नहीं देता। इस जिगल में ना आप लोगों का एक डाउट हमेशा रहता है, और आप लोगों के साथ ये चीज हमेशा होती है, मेरे को पता है, मैं 100% बोल रहा हूँ। सिंपल होता क्या है, सामने वाला बंदा भी नॉर्मल जिगल दे रहा है, मैं भी नॉर्मल जिगल दे रहा हूँ, तो भाई होता क्या है, हमारा एम ना बिल्कुल साथ साथ में चलता है, बंदे को गोली नहीं लगती और सामने वाले बंदे को भी गोली नहीं लगती, ठीक है, मतलब दोनों की एचपी फुल है, ठीक है, बट हम जिगल दे रहे हैं, फायर कर रहे हैं, गोलियां नहीं लग रही, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपको हंसी आएगी देख के। अब ये वाली चीज अगर आपके साथ बहुत ज्यादा होती है, आप कोई भी मैच खेलते हो, क्लासिक खेलते हो, टीडीएम खेलते हो, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो सिंपल समझो कि जो सामने वाला बंदा ना वो आपकी ही जैसी स्किल वाला बंदा है, ठीक है, आपका जैसा माइंड सेट उस वाले बंदे का, आपकी जैसी सेंसी है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा भी आपके ऊपर एम नहीं कर पा रहा है और आप भी उसके ऊपर एम नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है भाई, आपको अपना एम इंप्रूव करना होता है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड में एकेएम के साथ कोई भी बोट पकड़ो और बोट पे जिगल दो, लॉन्ग जिगल दो, फास्ट जिगल दो, मिड जिगल दो, कोई भी जिगल दो, ठीक है। थोड़ा सा और डीपली जाना तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, जाकर इस वाली वीडियो के बाद देख लेना। अभी थर्ड पॉइंट बचा, उसके बाद मैं तगड़ा जिगल ट्रिक सिखाने वाला हूं, ठीक है, जो मैं हमेशा यूज करता हूं। चलते थर्ड पॉइंट पे। अब जब भी आप लॉन्ग जिगल देते हो ना, तो आपको दो चीजें देखनी चाहिए, एक तो आपके पास गन कौन सी है, और एक आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, मतलब आपके सामने वाले बंदे को कैसे ट्रेस कर सकते हो। अगर बंदा कुछ ज्यादा ही दूरी पे रहता है, तो आपको वहां पे लॉन्ग जिगल देना चाहिए। और आपको लॉन्ग जिगल अगर देना है, तो लॉन्ग जिगल देने के लिए ना आपको एरिया चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं भाई कंटेनर के पास वुडन वाली जगह पे, फिर कहीं पे छोटी जगह पे आप लॉन्ग जिगल देने का ट्राई कर रहे हो, एक तो वहां पे लॉन्ग जिगल निकलेगा भी नहीं, ऊपर से वहां पे स्टक हो जाओगे, ठीक है। सिंपल आपको लॉन्ग जिगल देने के लिए जितना एरिया मेरे पास अभी है ना फिलहाल के टाइम में कंटेनर जितना, ठीक है, तो सामने जितना कंटेनर है ना, इतना आपको लॉन्ग जिगल देना होता है। अगर आप इतना जिगल दोगे, तो सामने वाला बंदा आपको
ट्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक, साधारण शब्दों में बोलूं तो भाई जिगल दिया ही इसलिए जाता है ताकि सामने वाला बंदा आपको ट्रेस ना कर पाए। ठीक है, तो लॉन्ग जिगल मैं बोल रहा हूं, जो सामने कंटेनर है ना उतना लॉन्ग जिगल आपका होना चाहिए, तभी सामने वाला बंदा आपको ट्रेस करने में हिचकिचाएगा, उससे ट्रेस ही नहीं होगा और आप उसको इजी मतलब टेकडाउन कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग जिगल दे रहे हो और मैं गन की बात करूं, आपके पास गन कौन सी होनी चाहिए लॉन्ग जिगल देते टाइम, तो मैं आपको बोलूंगा आपके पास ऐसी गन होनी चाहिए जिसकी गोलियां ना सीधी जाती हो, ठीक है, डोच ना होती हो, मतलब साइड वाइड में ना निकलती हो। सीधी जाने वाली गन तो आपको पता ही SMG है, M4 है, ठीक है, ये यूज कर सकते हो। बाकी बैरल हो गया, AKM हो गया, जिनके अंदर रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है, भारी गन होती है, तो भाई समझ सकते हो। ठीक है, तो ये गन आप लॉन्ग जिगल में यूज नहीं कर सकते। बाकी ऐसा नहीं है भाई, मतलब करने वाले बंदे करते हैं जिनका एम तगड़ा होता है। ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो एम वाली देख रखी है वो तो करते हैं क्योंकि उनका एम ऑलरेडी तगड़ा हो चुका है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। बट उससे पहले मैं आपको सीक्रेट ट्रिक पे लेके चलता हूं जिसके लिए बहुत सारे बंदे वेट कर रहे हैं। बाकी जितने मैंने आपको पॉइंट बताए ना, तो आप उनसे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं। अगर मैं डिजर्व करता हूं तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, 60 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। और कमेंट सेक्शन में अपनी एज टाइप कर देना ताकि मेरे को पता लगे भाई जो मेरी ऑडियंस है ना उनकी एज कितनी है। भाई बूढ़े तो नहीं होगे गेम खेलते खेलते। अब इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से और बिल्कुल साधारण और शांत मन से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो जब भी हम रन करते हैं ना तो हमारा ऊपर की तरफ एक स्प्रिंट बटन होता है। अगर ये स्प्रिंट बटन आपकी जोस्टिक के बिल्कुल अपने क्लोज में रख रखा ना, तो आप जोस्टिक का मूवमेंट आपका स्टक हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल हम भागने के लिए करते क्या, अपनी जोस्टिक को ऊपर की तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड करते हैं, तभी हम मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड देख पाते। जैसे आप लोग देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं, ये चीज तभी होती है जब अपनी जोस्टिक का जो स्प्रिंट बटन है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं बिल्कुल क्लोज में रख लेते, इससे क्या होता है स्प्रिंट बटन लॉक हो जाता है। बिल्कुल अपने स्प्रिंट बटन पर टैप करो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक तभी वर्क करेगी अगर आप इसका इसमें सुधार नहीं करोगे तो वो ट्रिक वर्क नहीं करेगी। अगर आप अपना स्प्रिंट बटन बिल्कुल ऊपर कर देते हो ना तो स्प्रिंट बटन लॉक नहीं होगा और अपनी मूवमेंट भी बिल्कुल स्टक नहीं होगी। बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई मूवमेंट स्टक होती है। ठीक है, तो सिंपल आप एक लॉजिक समझो, जब भी हम भागते हैं ना हमारा जो क्रोशियर है वो बंदे के ऊपर रहता है। देखो जैसे बंदे के ऊपर मेरा क्रोशियर है, जो हमारे गन का जो मतलब जहां से गोली निकलती है ना पहली गोली जहां से निकलती है फायर होती है वो बिल्कुल नीचे है। देखो हमारे हाथों में पकड़ी हमने गन, ठीक है, तो गन से गोली निकलेगी, गन ऊपर होगी तभी तो गोली निकलेगी। ठीक है, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, जब भी आप रन करते हो तो आपकी गन होती है ना वो आपके हाथों में होती है बट आपका क्रोशियर ऊपर होता है। जब भी आप फायर करोगे तो आपको गन को ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है, जब आप गन उठाते हो तो इसमें क्या होता है टाइम वेस्ट होता है। अगर आप क्रोशियर ऊपर रखते भी हो तो भी आपका कुछ वहां पे उखड़ने नहीं वाला, तो आपको कुछ ऐसी मूवमेंट देनी है कि जब भी सामने बंदा आए तो आपकी गन ना बिल्कुल सीधी रहे। ठीक है, आपको गन उठाने के लिए फायर करते जो गन उठती है उसमें टाइम ना लगे, आपको बिल्कुल सीधी मूवमेंट देनी है, अपनी जॉयस्टिक को फास्ट मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड करना। जैसे मैं कर रहा हूं बैकग्राउंड में देख रहे हो मेरी गन बिल्कुल सीधी है और सामने बंदा है। ठीक है, लेकिन ये चीज आप एवरी टाइम नहीं कर सकते, आपको वहीं पे करनी है जहां पे आपको लगे भाई सामने से बंदा आ रहा है। आप गैस कर सकते हो, ठीक है, मतलब दोनों साइड में से कहां से बंदा निकल के आएगा वहीं पे बंदे को मार सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक बार के लिए वाली चीज सीख ली ना, समझो कि बंदा कहीं से भी निकल के आए वो बंदा मरने ही वाला है। ठीक है, एग्जांपल आप लोग देख सकते हो यहां पे, बाकी अगर आप लोग यही मूवमेंट विद हैंड कैम देखना चाहते हो ना भाई ये मूवमेंट की कैसे जाती है, ठीक है, तो आप लोग मतलब जायरो वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो पिछले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलती है ना वीडियो में, तब तक के लिए बाय।